नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया। मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं अनिसाबाद में और यहां पे टिंकू तूफान केसरी का स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, शिव शक्ति स्टूडियो के नाम से, जो कि 2 साल पहले एक और स्टूडियो इनका बना हुआ था और 2 साल के बाद फिर से इन्होंने एक और स्टूडियो बनाया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक पे एक हिट गाना इन्होंने अपने कंपनी से दिया है और अपनी म्यूजिक डायरेक्टरी में दिया है। आइए सर, ये जो आज आपके स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, 2 साल में आपने 2 स्टूडियो बना दिया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आर मीडिया के श्रोता के प्रणाम करल चाहता नहीं, और ये सब जनता के प्यार बा, आशीर्वाद बा कि 2 साल पहले एक स्टूडियो हमारे खुलल रहे और जनता के प्यार इतना मिलल कि हम कर एगो स्टूडियो से कर ना पावत रहने यहाँ काम। तो हम कहलिए कि एगो और स्टूडियो बना दिल जाओ जनता के सेवा खातिर, श्रोता के सेवा खातिर, प्यार दुलार और इन्जॉय करे खातिर, मतलब चाहने के एगो और स्टूडियो अपना तैयार करें। अच्छा भैया, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे पटना है, ये शहर है, और यहाँ बहुत सारे गांव-गांव से सिंगर आते हैं गाने के लिए, और वो दूसरे जगह जाके या और भी जगह जाते हैं जहाँ उनका शोषण हो जाता है, लेकिन आपके तरफ से क्या उन नए सिंगरों के लिए होगा जो कि उनको बेहतर करने में आपके तरफ से मिलेगा समर्थन? देखिए, समर्थन की बात रही तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कोई भी नए कलाकार हैं तो नए कलाकार को सबसे पहले रियाज की ज़रूरत है, और उनको ना कोई ऐसा इंसान मिल जाते हैं लोग बरगला देते हैं, वहाँ चलिए वहाँ चलिए वहाँ चलिए वहाँ चलिए, लेकिन हाँ कोई भी अगर किन्हीं को काम करवाना है नए कलाकार को, तो जो काम करता है उनसे संपर्क कीजिए। अच्छा, हम एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे बीच में भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर काफ़ी विरोध हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कुछ सुधार हुआ उस अभियान से? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग जब से ये मुहिम चला है तब से तो हम लोग कर ही नहीं रहे काम। अच्छा सर, एक और बात, जैसे कि भोजपुरी में होता है कि कोई अगर एक गाना, कोई भी एक मैटर, एक धुन हिट होता है, सारे सिंगर उसकी कॉपी करने लगते हैं, आखिर क्या कारण है? आखिर देखिए, अब स्टार लोग गा दिए, सब लोग बड़े बड़े स्टार लोग गा दिए, तो सब एक स्टार के मतलब कॉपी करते हुए अपना सोचता है, आप लोग छोटे छोटे से कलाकार लोग के हम भी कॉपी करें और उस गाने को गा करके नाम करें, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं होना होता तो अच्छा रहता, क्योंकि सब एक नया नया क्रिएशन लोग करता तो कुछ और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को और कुछ मिलता नया चीज़। अच्छा, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की जो बात कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि टिंकू तूफान केसरी हैं, इनके माता पिता यहाँ पे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके सुपुत्र ने मात्र 2 साल में 2 स्टूडियो बना दिया है और ये सफलता की सीढ़ी को पार करते जा रहे हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके बेटे ने मात्र 2 साल में 2 स्टूडियो बना दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मेहनत करके अपन बच्चा से निकाल गया, आगे बढ़ गया, जाके किसी से बेमान नहीं किया। आपके बेटे की सफलता दिख रही है, बहुत ही मेहनत करके इन्होंने 2 साल में 2 स्टूडियो बनाया है, इस कामयाबी तक पहुंचे हैं, एक पे एक हिट इन्होंने गाने दिए हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सफलता यह है कि बचपना से ये मेहनत करने बहुत तेज है, रात दिन काम करने बराबर करते हैं, और हम लोग मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा, हमने भी हेल्प वहाँ से किया, यही बच्चा अपना हिम्मत से बहुत काम लिया, आगे बढ़ा। इनके सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इनके सफलता के लिए मैंने पूरा इसका आशीर्वाद देता हूँ और आगे सफलता इसका बराबर बरकरार रहे। इनके स्टूडियो में कुछ चीफ गेस्ट के तौर पे कुछ स्टार सिंगर, स्टार राइटर आए हुए हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। एक शुभकामना देने के लिए आई हुई है सिंगर खुशबू उत्तम, ये नाम और ये पहचान और इस चेहरे से सब कोई परिचित है, इनकी इनका ज़्यादा परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पे एक हिट गाना हो या बीजेपी के समर्थन में गाने की बात हो, इन्होंने एक पे एक हिट गाना दिया है, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये टिंकू तूफानी जी ने एक पे एक हिट गाना दिया और मात्र 2 साल में 2 स्टूडियो बना के खड़ा कर दिया अपने मेहनत के दम पे, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सबको सबसे पहले आर मीडिया देखने वाले तमाम दर्शकों को खुशबू उत्तम का प्यार भरा प्रणाम। और आप 2 साल बोल रहे हैं ना, हम इसको जब इसकी उम्र 12-13 साल की थी ना, तब से हम इसकी मेहनत को देख रहे हैं और स्ट्रगल को देख रहे हैं। 2 साल तो बस ये खड़ा होने के बाद चल रहा है, ठीक है, डेगा डेगी दे रहा है, लेकिन हम इसको जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था तब से बेचारा बहुत मेहनत किया है, और मेहनत भगवान सुनते हैं, सच्चे मन से किया हुआ मेहनत ना सफल होता है जो हो रहा है।
और टिंकू को मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसे ही दुगुनी चार पांच गो और खोल दे स्टूडियो। एक और हमारी बात होगी कि आप अधिकांश जब बात आती है पार्टी को लेके तो आप बीजेपी के समर्थन में हमेशा आगे खड़े हो जाती हैं, आखिर क्या कारण है? कारण क्या है? जो बेस्ट है, जैसे अभी हम टिंकू के समर्थन में आए हैं तो टिंकू बेस्ट है, तो हम बीजेपी के समर्थन में गाना गाते हैं और बीजेपी वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। जब भी उनको विश्वास होता है कि खुशबू उत्तम गाना गाएगी तो मेरा पार्टी जीत जाएगा, और सच में जीत गया। सब जिनके जिनके लिए भी हम गाए हैं बीजेपी के लिए, सभी जीते हैं। अच्छा, एक गाना आपका ये विधानसभा चुनाव में जो गाना आया था, काफ़ी वायरल हुआ और काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा, और पूरा चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में उसी गाने का ही प्रयोग किया गया। हाँ। वो गाना हम चाहेंगे थोड़ा गुनगुनाएं आप। अच्छा, नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, और बहुत खुशी हुई कि मतलब मुझे लग रहा था ना कि नीतीश कुमार हार जाएंगे। भगवान से बहुत प्रे किए कि भगवान गाना गाए हैं, प्लीज़ इज्जत बचा लीजिए। सच में। और इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था वो गाना। हाँ, टिंकू हम लोग सब मिलके कोरस भी किए थे, टिंकू भी उसमें ये कोरस किया था, हम सब मिलके इसी स्टूडियो में गाए थे वो फर्स्ट वाले में। वो गाना जो था अब की बार फिर नीतीश कुमार चाहिए गाना, इसी स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ था, यानी ये स्टूडियो नया बना है लेकिन इसी का एक पुराना स्टूडियो जिसका भी नाम शिव शक्ति स्टूडियो ही है, और उसके संचालक यही है टिंकू तूफानी जी, तूफान केसरी जी। और इस स्टूडियो में गाना जो गाई थी यही खुशबू उत्तम जी है, आइए उस गाने को हम लोग सुनते हैं। वो लाइन तो हमको थोड़ा उतना याद नहीं आ रहा, भूल गए, एक साल हो गया। ऐसे था, फिर से नीति से कुमार चाहिए, लूट हत्या नहीं बलात्कार चाहिए, चोरों की नहीं सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। आपने कहा नीतीश कुमार चाहिए और वाकई में नीतीश कुमार जी आ गए। अब हम बात करते हैं इस न्यूज के माध्यम से, मैं मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और वो बिहार को एकदम बदल दिए हैं। मतलब आप खुद सोचिए ना कि 3 किलोमीटर का पुल है, या फिर वो नया जो दीघा लेन का पुल है जो बनाए हैं, मेट्रो है, मेट्रो स्टार्ट हो रहा है, रोड, पटना एकदम पूरी तरह से चेंज हो गया। अगर 10 साल के बाद कोई पुराना आदमी पटना में आए ना तो भुला जाएगा, कहे कहाँ आ गए हैं, दिल्ली में लगता है आ गए, दिल्ली टाइप का लगता है अब। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही आप पटना को एकदम बदल दीजिए।